इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, कौशल विकास की वजह से देश में एक बदलाव आया है। आज हुनर और कौशल विकास ने लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे मोटिवेट करने वाले प्रोग्राम्स दिखाएं, कहानियां दिखाएं। तो देखते हैं आज के इस एपिसोड में क्या खास है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। इंडिया स्किल्स 2024 में दिखा विमेन स्किल्स पावर, पूरे देश से आई लड़कियों की भागीदारी। मेल डोमिनेटिंग फील्ड में लड़कियों की बड़ी भागीदारी, दिख रही है बदलते भारत की तस्वीर। इंडिया स्किल्स 2024 में इंडस्ट्री का भी मिला सहयोग, स्किल इंडिया का दिखा असर। सपनों को पूरा करने का अलग नजरिया पेश करती ओडिशा की रिंकी महतो, जो खुद को ना मिला स्टूडेंट से करवाया हासिल, गुरु शिष्य की अनोखी कहानी। कौशल प्रशिक्षण और हुनर के विकास की वजह से युवाओं को अपने कौशल की शक्ति पहचानने में मदद मिल रही है और हुनरमंद होने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आता है, आइए देखते हैं। देश की बेटियां आज हर काम में आगे बढ़ रही हैं, इसी की झलक देखने को मिली इंडिया स्किल्स 2024 में। प्रतियोगिता के दौरान पता चला कि उन सेक्टर्स में भी महिलाओं की भागीदारी अधिक हुई है जिनमें पहले पुरुषों का वर्चस्व था। लड़कियों ने बहुत जोश और उत्साह का प्रदर्शन करके ये साबित कर दिया कि कौशल और प्रतिभा किसी भी रूप में लैंगिक कारणों से बाधित नहीं होती। उनके हौसले को बढ़ाने का काम कर रहा है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। इतना बुरा भी नहीं है कि एक फीमेल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दिखने में ऐसा है, कोई भी चीज हम इंटरेस्ट लेके करेंगे तो वो हमको अच्छा लगता है, वो जितना भी कठिन हो। तो मैं चाहूंगी कि हर लड़की आके एक बार होल्डिंग सीखे और मारे, उसके इंटरेस्ट दे। होल्डिंग एक ही चीज है वो जो हमको आगे लेके, बहुत आगे लेके जा सकता है। इंडिया स्किल्स 2024 में इस बार हर फील्ड में लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और NSDC ने विभिन्न ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ काम किया। इन्हें कौशल प्रशिक्षण से मिलने वाले फायदों के बारे में बताया। स्किल इंडिया मिशन के तहत इन्हें ट्रेनिंग दिलवाई गई, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इनके कौशल को निखारा गया। Even if I win or not win, that doesn't matter, but I would like to encourage the youth to participate more and more in this competition as it gives a very big exposure and a good chance to show our skills what we have. No one here knows what skills are there in a child, but yeah, this competition gives a great exposure. It's a biggest platform for showing our skills on a national level and international level as well. इंडिया स्किल्स 2024 में 170 से अधिक फीमेल्स ने लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, ग्राफिक डिजाइन टेक्नोलॉजी, पेंटिंग और डेकोरेटिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, औद्योगिक डिजाइन टेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे ट्रेड्स में भाग लिया। एवरीवन कैन डू एवरीथिंग, सो आई थिंक दैट दिस इज आई हैव टू मींस मेरे बचपन से ऐसा ही था कि मैं ऐसे कुछ करूं जो मतलब खुल के किसी को देखे। मेरे को मतलब दिखाना है सबको कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। मेरे को ऐसे मतलब हमेशा मेरा है बचपन से, और मेरे फैमिली का सपोर्ट भी मेरे साथ हमेशा है। लैंडस्केप बागवानी कौशल में दो महिला टीमें थी, विजुअल मर्चेंडाइजिंग में भी महिला लीडिंग पोजीशन में थी, मोबाइल रोबोटिक्स में भी दो लड़कियों की एक टीम थी। तो जितने भी टास्क हुए हैं अभी, ये सब आप देख रहे होंगे, ये मेरे बनाए हुए डिजाइन्स हैं जो कंपटीशन में हमको दिया गया था, और जो सरप्राइज टास्क भी है इसमें, और जो टास्क जो भी था हमारे डे 1 से डे 3 तक, वो वाले सारे यहाँ पे हैं।
तो नेशनल स्केल में जो 3 दिन तक हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो उसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे मिस्टेक्स और हमारा टाइम मैनेजमेंट से लेके बहुत कुछ चीजें। नए जमाने के कौशल में देश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं। न्यू स्किल सीखने से लेकर स्टार्टअप्स करने में आगे आ रही हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई पहल की है। तो देख रहे हैं कि ये आज का प्रोग्राम ना होते हुए एक स्किल मैपिंग भी की जाए, जितने कंटेस्टेंट की स्किल मैपिंग भी की हो, उससे हमें ये पता चल रहा है कि भले ही इस बार वो एक कंटेस्टेंट जो है वो थोड़ा उतना ना कर पाए, बट उसमें प्रतिभा है, उसमें पोटेंशियल है, उसको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। तो ये जो हमारा रिकॉर्ड जब बनेगा तो अगले 2 साल के बाद जो होगी, इस 2 साल के दौरान हम उन पर काम करेंगे। तो जैसा स्पोर्ट्स में होता है कि हमने एक प्रतिभा देखी, उसमें हमने टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की, समय दिया ताकि वो प्रतिभा निखर के वो बाहर आए, ये प्रथा भी हम लोग इसमें शुरू करेंगे, जिसके लिए हमें स्किल मैपिंग, स्किल गैप जो हमने व्यक्ति की है उससे हमें काफी आसानी होगी। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा दे सकती है। महिलाओं में बाजार के अनुकूल कौशल विकसित करने और उद्यमिता के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन प्रतिबद्ध है। 10 सालों में हमने काफी इकोसिस्टम मजबूत किया है। स्किल के बारे में लोगों की रुझान बढ़ी, स्किल के बारे में लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ी है, स्किल के बारे में लोग जानना चाहते हैं, उसको ट्राई करना चाहते हैं। तो जैसा हमने अगर वर्ल्ड स्किल अगर एक को हम स्टैंडर्ड लेके चलें, तो जिसमें पहले हमने कम ट्रेड में किया, फिर ज़्यादा ट्रेड में किए, फिर कम स्टेट थे, अभी ज़्यादा स्टेट आए, कॉन्टेस्टेंट की संख्या पहले कम थी, बढ़ रही है, तो अगर इसको मैं अगर एक मैट्रिक्स लेके अगर चलूं, अगर सिर्फ वर्ल्ड स्किल इंडिया स्किल के माध्यम को अगर मैं लेके चलूं, तो हमें लगता है कि काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ा है और लोगों में ये बात फैली है कि स्किल भी एक माध्यम हो सकता है आज जिंदगी में आगे बढ़ने का, रिकॉग्निशन का। जैसे हमने कहा जीतोगे दुनिया, वो स्किल से भी ये संभव है, ऐसा लोगों को अब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ रहे हैं और अपना रहे हैं। स्किल इंडिया के जरिए कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसने युवाओं को तो लाभ पहुंचाया ही है, साथ ही इंडस्ट्री की भी बहुत बड़ी मदद की है। कौशल प्रशिक्षित कामगार युवा मिलने से इंडस्ट्री को भी गति मिलती है, यही कारण है कि इंडस्ट्री भी स्किल इंडिया को बहुत सहयोग कर रही है। कौशल के प्रति इंडस्ट्री का यही रुझान हमें देखने को मिला इंडिया स्किल्स 2024 में, जहां लगभग 400 से ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने अपना योगदान दिया। इंडस्ट्री के साथ मिलकर ही ये सारा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो इससे इंडस्ट्री में भी ये पता चलेगा कि स्किल की क्या महिमा है और कैसे इंडस्ट्री लेवल पे भी स्किल को आगे बढ़ाया जा सके। एक तरफ हमारे युवा उसकी तरफ आकर्षित हों, दूसरी तरफ इंडस्ट्री को पता चले, इससे उनका लाभ होगा, तो दोनों विन विन सिचुएशन जब क्रिएट होगी तभी हमारे स्किल के बारे में लोगों का रुझान बढ़ेगा और देश में आगे हमें बढ़ने में आसानी होगी। युवाओं को आधुनिक इंडस्ट्री और आधुनिक मानकों के अनुसार ट्रेनिंग मिले, इसके लिए एनएसडीसी के साथ इंडस्ट्री ने भी अपनी पूरी भागीदारी निभाने की कोशिश की। इंडस्ट्री की मदद से ट्रेनिंग मिलने से युवाओं को एक अच्छा माहौल मिलता है, जिस कारण न सिर्फ इनका मनोबल बढ़ता है बल्कि ट्रेनिंग का स्तर ऊंचा होने से इन्हें अपनी स्किल्स को बेहतर करने के भी भरपूर मौके मिलते हैं। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मेल डोमिनेटिंग फील्ड में लड़कियों की बड़ी भागीदारी, दिख रही है बदलते भारत की तस्वीर। विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था, वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ अभी। अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नेप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार, मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर सवार लो, तुम्हारा कल अपने आप सवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना,
स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉयज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@ssc.amh.com या देखें वेबसाइट www.ssc.amh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया, आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 दीप राज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, हमारा नजरिया तय करता है कि हम अपने काम को किस मुकाम तक ले जा सकते हैं। सफलता के रास्ते हर जगह हैं, बस जरूरी है कि हम अपने काम को सफल बनाने के लिए कितने समर्पित हैं। कौशल विकास के प्रयास से लोगों की जिंदगी कैसे बदल गई और कैसे उनके लिए कामयाबी के नए रास्ते खुल गए, आइए देखते हैं। NSDC का प्रयास रहता है कि युवाओं को आधुनिक इंडस्ट्री के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए, ताकि कंपटीशन के बाद वो काबिल बनकर अपने करियर को भी उड़ान दे सके। इंडस्ट्री का सहयोग मिलने से ये दोनों काम आसानी से हो जाते हैं और इंडस्ट्री के लिए ये कौशल प्रशिक्षित युवा भी एक एसेट बन जाते हैं, जो न सिर्फ अपना नाम कमाते हैं बल्कि इंडस्ट्री का नाम भी रोशन करते हैं। ब्यूटी थेरेपी को लेकर यहाँ इंडिया में इंडिया स्किल में पार्टिसिपेट की और मैं इंडिया यहाँ दिल्ली में अपने वर्क को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आई एम सो एक्साइटेड कि मैं बिहार से यहाँ तक पहुँची। बिहार की एक ऐसी लड़की, ऐसे मतलब नालंदा डिस्ट्रिक्ट की लड़की, जो कि लड़कियों को कि बस घर में रहना है और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली और जस्ट ओके, इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो। खास तौर पर वो युवा जो वर्ल्ड स्किल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, उन्हें NSDC बड़ी इंडस्ट्री के जरिए ट्रेनिंग दिलाने का प्रयास कर रही है, जहां युवाओं को आधुनिक टूल्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की देखरेख में कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। It's been an honor to be a participant in visual merchandise and I think it's more of an honor to actually win gold in my skill. I would request each and every student to take participation in India skills for at least once. I mean for me it has been a straight ladder to success and I'm sure it's going to be a much of a learning experience for each and every student. I am so overwhelmed, I don't even have words to catch. I think I'm going to end by saying skill se jeetenge duniya. जब युवा एक काबिल एक्सपर्ट की देखरेख में प्रशिक्षण हासिल करता है तो उसके हुनर में जो पैनापन आता है वही उसको विजेता बनने में मदद करता है। जो विनर्स होंगे उनको एक तो राष्ट्रीय लेवल पे उनको सम्मान मिलेगा और उसके अलावा हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि इसके बाद एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम चले, जिससे कि वो वर्ल्ड स्किल लियोन में दुनिया के सामने अपना हुनर दिखा सकें और अपना एक स्थान बना सकें। उसकी बहुत इंटेंस व्यवस्था की गई है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से सारी जर्नी अब NSDC के स्पॉन्सरशिप पर चलेगी। इसके साथ ही NSDC का प्रयास ये भी रहता है कि जो प्रतिभागी वर्ल्ड स्किल्स से पहले इंडिया स्किल्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं उनका मार्गदर्शन भी नए युवाओं को मिले। यही कारण है कि ज्यादातर युवाओं को प्रतिभागियों का मेंटोर या ट्रेनर्स बनाकर इनके सहयोग के लिए रखा जाता है, ताकि पुराने प्रतिभागियों से पूरा अनुभव हासिल करके नए युवा अपने मेडल की दावेदारी मजबूत कर सके। तक का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत कुछ सीखने मिला है एंड इस पड़ाव पे भी आके भी ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसे कुछ होगा या मेरा नाम आएगा उधर, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आया एंड आई गॉट अ लॉट टू लर्न आगे भी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर कि आगे जाके भी जो भी होगा भगवान भरोसे एंड जो भी मतलब मैं अपना बेस्ट दूंगी एंड देखते हैं आगे क्या होता है। सो बट एक ही चीज से एंड करना चाहूंगी, स्किल से जीतेंगे दुनिया। कौशल विकास और उद्यमशीलता की देखरेख में जिस तरह से NSDC वर्ल्ड स्किल्स के प्रतिभागियों की तैयारी करा रहा है, इससे पूरी उम्मीद है कि भारत के युवा वर्ल्ड स्किल्स 2024 में
लियोन में जाकर बेहतर प्रदर्शन करके देश के लिए मेडल जीतकर एक नया कीर्तिमान बनाकर देश का नाम रोशन करेंगे। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सपनों को पूरा करने का अलग नजरिया पेश करती ओडिशा की रिंकी महतो, जो खुद को न मिला स्टूडेंट से करवाया हासिल, गुरु शिष्य की अनोखी कहानी। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था, वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ अभी। अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS, NAPS, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार, मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का NAPS प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर सवार लो, तुम्हारा कल अपने आप सवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना, स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉयज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@ssamh.com या देखें वेबसाइट www.ssamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। I support Skill India. आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीप राज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। मंजिल उसी को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। दोस्तों, अगर आपके पास हौसला है तो किसी भी मुश्किल स्थिति, किसी भी विपरीत सिचुएशन को आप पार कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कौशल विकास से जीवन में क्या बदलाव आता है, आइए देखते हैं अपने अगले सेगमेंट में। आमतौर पर माना जाता है कि प्लंबिंग एंड हीटिंग एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, लेकिन आइए आपको मिलवाते हैं इस मेल डोमिनेटिंग फील्ड में काम करने वाली ओडिशा की रिंकू महतो से, जिन्होंने इस मेल डोमिनेटिंग फील्ड की चुनौतियों को पार करके सफलता हासिल की है। कड़ी मेहनत और अपने हौसले के दम पर कई प्रतियोगिताओं को जीतकर इंडिया स्किल्स में पार्टिसिपेट करने का मौका हासिल किया। यहां पूरी तरह से मेल डोमिनेटिंग क्षेत्र में रिंकी पहली और अकेली फीमेल कैंडिडेट थी जिन्होंने प्लम्बिंग एंड हीटिंग में पार्टिसिपेट किया। मैं लास्ट ईयर कॉम्पिटिटर हूँ प्लम्बिंग एंड हीटिंग की। मैंने उड़ीसा को रिप्रेजेंट किया था इन नेशनल लेवल एंड आई वाज रनर अप फॉर वर्ल्ड स्किल। अब मैं ज्यूरी हूँ इन प्लम्बिंग एंड हीटिंग स्किल्स ओनली। तो मेरी ब्रीफ जर्नी मैं बताना चाहती हूँ एज ए कॉम्पिटिटर से ज्यूरी तक का सफ़र मेरा कैसे गया। सो कॉम्पिटिटर वाली जर्नी मेरी 2019 में शुरू हुई और वो खत्म 2021 में हुई। इंडियन स्किल्स में कड़ी चुनौतियों का सामना किया और अपने स्किल्स पर लगातार काम किया। हालांकि इंडिया स्किल्स 2021 में विजेता बनने का सपना लेकर आई रिंकी का ये सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन इनके इस प्रयास की सभी ने सराहना की, जिसने दूसरी लड़कियों को भी इस फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। और इसका नतीजा भी जल्द ही नजर आया, जब इनके ही राज्य और कॉलेज की जूनियर कीर्ति पर्णा संदगी ने इन्हें अपना आदर्श मानते हुए इस फील्ड में जाने का इरादा किया। रिंकी दी, शी इज माय सीनियर, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम हर। वो भी प्लम्बिंग एंड हीटिंग में वर्ल्ड स्किल में पार्टिसिपेट कर रही थी। उनसे जब देखा मैंने कि वो मेरे सीनियर है, वो एक लड़की है, वो ये टोटली कम्प्लीटली मेन थिंग्स है, वो यहाँ आके मतलब वर्ल्ड स्किल को इंडिया में रिप्रेजेंट करना चाहती है वो, तो उनसे मैं ये इंस्पायर हुई।
तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। उनका जब खत्म हुआ तब से मेरा ट्रेनिंग शुरू हो गया था। जब कीर्ति पर्णा ने प्लम्बिंग एंड हीटिंग के क्षेत्र में इंडिया स्किल्स में अपना करियर बनाने का इरादा किया तो रिंकी ने भी इनकी स्किल्स में बेहतरी लाने के बारे में सोचा। जब इनकी देखरेख में कीर्ति पर्णा स्टेट और रीजनल लेवल क्वालिफाई करते हुए इंडिया स्किल्स 2024 में पहुंची तो रिंकी की उम्मीदों को भी बल मिला। उड़ीसा से एक लड़की आई है जो बोलती कि मैं उसकी इंस्पिरेशन थी, तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरा मोटिव ये था कि मैं स्टीरियोटाइप तोड़ूं कि प्लम्बिंग में बस लड़कियां नहीं आती, बस लड़के क्यों। तो मेरा ड्रीम इनिशियली एक से ही शुरू हुआ है, बट हाँ मैं उस चीज़ को आगे लेके जाना चाहती हूँ, इंटरनेशनल लेवल तक लड़कियां जाए और लड़की पार्टिसिपेंट्स आए प्लम्बिंग एंड हीटिंग के लिए। कीर्ति पर्णा की काबिलियत को देखते हुए NSDC की देखरेख में काम करने वाली वाटर मैनेजमेंट एंड प्लम्बिंग स्किल्स काउंसिल ने रिंकी को इन्हें ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी दी। जर्नी खत्म हुआ पे जब कंट्री को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाई थोड़ा दुख हुआ, बट मेरा मोटिव था कि मैं आगे कैंडिडेट्स को ट्रेन करूं, तो मैंने वो हौसला अपना छोड़ा नहीं। मैंने सोचा अभी भी मैं वो काम कर सकती हूँ, भले मैंने रिप्रेजेंट किया नहीं किया कंट्री को इन वर्ल्ड स्किल्स। तो मैंने उसी सफ़र को आगे शुरू किया। WMPSC में मैंने जॉब शुरू की एज ए ट्रेनर फॉर कैंडिडेट्स, जो फ्यूचर कैंडिडेट्स थे। जिस चीज़ों में मैं लैग कर रही थी, जहाँ जहाँ मेरी गलती हो रही थी, मैं वो नहीं चाहती थी कि बाकी कोई कैंडिडेट से वो गलती हो, तो मैं स्टेट में आगे आई। ये इनके कड़े प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का ही नतीजा था कि इनकी स्टूडेंट कीर्ति पर्णा संधगी ने इंडिया स्किल्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर इनके सपनों को पूरा किया। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन इंडिया स्किल्स थ्रू प्लम्बिंग एंड हीटिंग स्किल्स। आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी फॉर विनिंग दिस इंडिया स्किल्स। Now I am representing India in world skill, which is held in France, Lyon. So I am very happy and very grateful. India Skills 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर कीर्ति पर्णा ने वर्ल्ड स्किल्स 2024 में भारत के प्लम्बिंग स्किल्स में प्रतिनिधित्व करने का सपना पूरा कर लिया है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हमको मालूम रहता है हमको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, क्या बोलना है। इसी तरह हमें अपने जीवन में भी एक लक्ष्य तय करना चाहिए कि हमें क्या करना है और हमारी मंजिल क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी कहानियां दिखाएं जो कि आपको मोटिवेट कर सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। तब तक मुस्कुराते रहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत, और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।